गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों आज मैं आपको चैप्टर करा रहा हूँ अकाउंट करंट। कुछ एक इसकी थ्योरी है जिससे आपको समझ आएगा कि अकाउंट करंट जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो किस लिए यूज होता है। अकाउंट करंट व्हेन इंटरेस्ट कैलकुलेशन बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट। आपने मीनिंग समझना है, अभी बताऊंगा आपको बच्चों, पहले लिखवा रहा हूं। व्हेन इंटरेस्ट कैलकुलेशन बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अकाउंट द अकाउंट मेंटेन इस पर्पज के लिए जिस अकाउंट को आप मेंटेन करते हो इज कॉल्ड अकाउंट करंट। ये अकाउंट करंट वहां यूज होता है बच्चों जहां पर आपकी फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन हो रही है, जो भी डिले पीरियड होगा, जल्दी पेमेंट होगी तो उसका हर एक दिन तक का इंटरेस्ट कंप्यूट होता है और हम वो साथ के साथ कंप्यूट करते रहते हैं। व्हेन इंटरेस्ट कैलकुलेशन बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अकाउंट मेंटेन इज कॉल्ड अकाउंट करंट। इन अदर वर्ड, अगर कोई पूछे कि अकाउंट करंट क्या होता है, अभी मतलब नहीं समझ आया, तो आप कहेंगे एन अकाउंट करंट इज ए रनिंग स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, इज ए रनिंग स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। आप देखेंगे कितने बेटर वे में इसको उन्होंने डिजाइन कर रखा है, बड़ी आसानी से जिन पार्टी से आप डील करते हो बच्चों उनके बैलेंस भी कवर हो जाते हैं, कंप्यूट हो जाते हैं और इंटरेस्ट भी आसानी से कंप्यूट होता है जिनसे बार बार बड़ी फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन होती है। तो इन अदर वर्ड एन अकाउंट करंट इज ए रनिंग स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन पार्टीज फॉर ए गिवन पीरियड। वो मैं अभी आपको समझाऊंगा कि गिवन पीरियड ऑफ टाइम का कैसे कंप्यूटेशन होता है। एंड इंक्लूड्स इंटरेस्ट अलाउड और चार्ज्ड ऑन वेरियस आइटम्स। इस वेरियस आइटम का मतलब है जो आप परचेज, सेल, पेमेंट, कैश रिसीव्ड करते हो उनके ऊपर। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ एन लेजर अकाउंट। मतलब समझाता हूं बच्चों कि जो हम अकाउंट करंट बनाएंगे वो एक लेजर की तरह बनेगा, उसका ना एक फॉर्मेट है, उसको हम फॉलो करेंगे। अब मुझे ये बताना है कि किन सिचुएशंस में ये एप्लीकेबल होता है, बनाया जाता है। तो सिचुएशंस वेयर अकाउंट करंट इज मेंटेन। बच्चों हमने ना एवरेज ड्यू डेट में इंटर ट्रांजेक्शन देखी थी, वो जो इंटर ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं ना कि एवरेज ड्यू डेट, अब एक पर्सन बार बार पेमेंट कर रहा है, साथ साथ सामान परचेज करता है और हमने क्लियर लिख रखा है कि जितने भी दिन डिले रहेगा पेमेंट में उसका हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, चाहे वो एक दिन ही क्यों ना हो। और अगर आपकी पेमेंट पहले आ जाएगी ड्यू डेट से तो आपको इंटरेस्ट अलाउड किया जाएगा। तो वहां पर आपका अकाउंट करंट काम करता है। तो कौन सी सिचुएशन होती है जहां अकाउंट करंट काम करता है बच्चों? पहली, इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन, बार बार बच्चों ट्रांजेक्शन होती है, फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शंस रेगुलरली टेक प्लेस बिटवीन टू पार्टीज एन एग्जाम्पल इज ऑफ ए मैन्युफैक्चरर। बच्चों हम यूं बनाकर कहेंगे कि एक मैन्युफैक्चरर है जो कि गुड्स बेचता है, हु सेल्स गुड्स फ्रीक्वेंटली टू
ए ट्रेडर मर्चेंट कह सकते हो आप, ऑन क्रेडिट एंड रिसीव्स पेमेंट फ्रॉम हिम इन इंस्टॉलमेंट्स, पेमेंट आती रहती है एट डिफरेंट इंटरवल्स, उसकी कोई फिक्स पीरियड वाला सिस्टम नहीं है। मतलब आप ये समझो कि एवरी ड्यू डेट से काफी एडवांस है ये हमारा, एंड चार्जेस इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट विच रिमेन्स आउटस्टैंडिंग, जितने दिन जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहता है उसके ऊपर क्या चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट, वो कैसे चार्ज होगा वही सिखाना है अकाउंट करंट के थ्रू। बैलेंस भी फाइंड आउट हो जाएगा कि उस पर्सन से कितना पैसा हमने, कितनी मनी रिमेनिंग है, और प्लस में इंटरेस्ट भी। सेकेंड नंबर पे बच्चों, जैसे कंसाइनमेंट होता है ना, तो हमने कंसाइनी से कहा कि आपके पास जो पैसा आएगा अगर आप रखेंगे तो हम इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे जितना भी डिले पीरियड होगा, नहीं तो आप रेगुलरली पैसे डिपॉजिट कराते रहना। वो कहते हैं हाँ जितना टाइम मेरे पास रहेगा और अगर मैं कुछ एडवांस दूंगा तो मुझे भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो बिल्कुल वहां पर क्या मेंटेन होगा बच्चों, अकाउंट करंट। तो मैं लिखता हूं उसको बनाकर कि कैसे लिखा जाए, ये एक कंसाइनी ऑफ गुड्स कैन ऑल्सो प्रिपेयर एन अकाउंट करंट इफ द लेटर इज टू सेटल द अकाउंट एट द एंड ऑफ कंसाइनमेंट at the end of the consignment and interest is charged on outstanding balance। अभी बच्चों हम क्वेश्चन करेंगे, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। पहले फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन वाला करेंगे क्वेश्चन। इसी तरह से बच्चों अगर बैंक में बात करूं तो करंट अकाउंट बिजनेसमैन का क्यों ओपन करते हैं और नॉर्मल का सेविंग अकाउंट, क्योंकि सेविंग अकाउंट में हम बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन नहीं करते, लेकिन करंट अकाउंट में तो डेली बेसिस पर कई सारी ट्रांजेक्शन होती हैं। एन अकाउंट करंट आल्सो इज फ्रीक्वेंटली प्रिपेयर्ड, इसका काम यही है कि उस तरह की सेटलमेंट करना जहां एक एक दिन का इंटरेस्ट चार्ज होता है। प्रिपेयर टू सेट आउट द transactions taking place between a banker and his customer। हमारा क्वेश्चन इसका भी आएगा बच्चों, हम लोग बनाएंगे बैंक वाले के केस में। और लास्ट वन बच्चों इसका एग्जाम्पल है, ज्वाइंट वेंचर होते हैं। मैं आपको बताता हूं क्या होते हैं ज्वाइंट वेंचर। टेम्परेरी पार्टनरशिप एक तो होती है पार्टनरशिप, वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। टेम्परेरी पार्टनरशिप 1 month 2 months के लिए किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे, जैसे हमें सेल लगानी है और उसमें हम लोग 2 person मिलकर सोच रहे हैं कि वो सेल लगाएं और प्रॉफिट आधा आधा बांट लेंगे, तो उसको ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। उसमें दिक्कत क्या है कि जो पर्सन पैसे लगा रहा है और दूसरा कह रहा है नहीं मेरे पास कम है, और वहां सेल के लिए सामान परचेस किया जा रहा है, तो ज्यादा वाला पर्सन क्या चाहेगा इंटरेस्ट, तो वहां पर ये सेटल होती हैं चीजें। तो हम यहां कहेंगे इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन टू और आर इन ज्वाइंट वेंचर। उसके बाद तो बस इनके मेथड समझाने हैं कि कैसे बनती हैं ये हमारा अकाउंट करंट। एंड ईच को वेंचर, को वेंचर बोलते हैं बच्चों जो मेंबर बने हैं उस ज्वाइंट वेंचर के, एक तरह से पार्टनर is entitled to interest। उनको जितना टाइम उनकी बैलेंस रहेगा ना उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलना है, तो उनका अकाउंट करंट बना देते हैं हम लोग। ऑन देयर इन्वेस्टमेंट
अब हमारे में ज्वाइंट वेंचर है नहीं, पहले बच्चों इन्होंने डाल रखा था इसके अंदर, बाद में हटाया है सिलेबस से, नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। अब उसी के अंदर मेथड होता था कि सेपरेट सेट ऑफ बुक्स जो है वो मेंटेन होगी या नहीं होगी, तो यहाँ अगर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ना मेंटेन हो तो अकाउंट करंटी बनता है फॉर इट। अब मुझे आपको सिखाना है बच्चों की अकाउंट करंट का मतलब आप समझो, जहां पर फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन हो रही है, जितने दिन जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसके ऊपर क्या चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट। आप ऐसे समझो बच्चों, पार्टनरशिप में ना जब कैपिटल फिक्स होती है तो भी हम करंट अकाउंट बनाते हैं, वो अकाउंट करंट से तो अलग है क्योंकि वो इंटरेस्ट को इंटीग्रल पार्ट नहीं मानते। हम तो ये तक करते हैं कि जो करंट अकाउंट है उसमें इंटरेस्ट ही नहीं चार्ज होता उसके आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर। लेकिन यहां तो ये समझो कि अगर आपका एक दिन का पॉजिटिव बैलेंस है, अगले दिन की बैलेंस है, तो एक दिन का इंटरेस्ट अलाउड होगा, एक दिन का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो उस केस में जो स्टेटमेंट बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट करंट। अब वो बनता कैसे है उसके लिए बच्चों मेथड है, लेकिन मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि मान लो मेरी बुक्स है, बुक्स ऑफ ए है और वो बी के लिए अकाउंट करंट बना रहा है, तो पता कैसे लिखेगा, वो लिखेगा बी। आप ऐसे लिखेंगे कि हम लोग जो पर्सन एक तरह से बना रहा है उसका नाम बाद में आएगा और जिस पर्सन के साथ बना रहा है उसका पहले। तो अगर ए की बुक्स है तो ए लिखेगा बी इन अकाउंट करंट विद ए, ये इसका लिखने का तरीका है। नीचे बच्चों हम फिर लिखते हैं इंटरेस्ट, जिस डेट तक की आप बात कर रहे हो सेटलमेंट की वो डेट लिख दी जाएगी। जैसे मैं मान लेता हूं 31 मार्च, जरूरी नहीं वो ईयर एंड हो, वो तो मैंने वैसे ही लिख दिया 2020 एट द रेट ऑफ, और इंटरेस्ट का रेट मेंशन करना होता है जितने भी परसेंट है। ऐसे करके इसका फॉर्मेट बनेगा। इसके ना बच्चों प्रिपेयर करने के तीन मेथड है, मैं सबसे पहले फर्स्ट मेथड करा रहा हूं, तो आपको बता रहा हूं मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग। क्वेश्चन के थ्रू आपको सारी बात समझ आ चुकी होगी बच्चों कि कैसे काम करता है ये मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट करंट। तो पहला जो मेथड है उसको बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल। उसमें ना इंटरेस्ट का कॉलम बन जाएगा, तो वो एक बार आपको करना सिखाता हूं बच्चों कैसे होगा। एक बार आपको ये बताना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन हम करेंगे ना उसमें एक ही क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल है, क्योंकि इसी के अल्टरनेट है। अगर हम दूसरा मेथड करेंगे ना जिसको हम बोलते हैं बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट मेथड, वो प्रोडक्ट मेथड जो है वो वही आंसर देगा जो आपकी ये इंटरेस्ट टेबल मेथड देगा, लेकिन वो इससे बिल्कुल आसान है इसलिए हम वो फॉलो करते हैं। लेकिन पहले आप ये समझो फर्स्ट मेथड विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल। तो इस केस में कैसे बनाएंगे हम लोग, ऐसे फॉर्मेट बनता है बच्चों, जैसे ए की बुक्स है तो मैंने लिखा बुक्स ऑफ ए, तो वो लिखेगा बी इन अकाउंट करंट विद ए, जिसकी बुक्स है उसका नाम हमेशा बाद में आएगा और जिसके साथ वो दूसरी पार्टी है उसका पहले। इंटरेस्ट टू, कोई और डेट मान रहा हूं बच्चों, इंटरेस्ट टू 1 June 2020 एट द रेट ऑफ, एक बार मान रहा हूं इंटरेस्ट का रेट 8% पर है ना। तो अब इसमें कॉलम समझना बच्चों, टोटल 12 कॉलम होते हैं, 6 लेफ्ट हैंड साइड पे 6 राइट हैंड साइड पे, तो वो क्या क्या कॉलम बनते हैं, क्या काम होता है उसका सब समझ आ जाएगा। देखो ये हमने ऐसे लिखना है, पहला कॉलम डेट का, जो लेफ्ट पे कॉलम बना रहा हूं वही राइट में आने हैं। सेकेंड कॉलम बच्चों पर्टिकुलर्स, इसमें ना आपकी डेबिट वाली ट्रांजेक्शन आएंगी। इसके बाद बच्चों ड्यू डेट, अभी ड्यू डेट क्या होती है समझाता हूं। इसके बाद बच्चों अमाउंट, अगर आप एक पार्टी से वैसे भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं ना तो एक बार ड्यू डेट को हटा दूं तो तीन कॉलम तो वैसे ही बनते हैं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, लेकिन अकाउंट करंट में आपके तीन कॉलम और एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ये डेज जितने दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फर्स्ट मेथड विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल में यहाँ साथ साथ इंटरेस्ट कैलकुलेट होता रहेगा। आप इन तीन कॉलम को रफ कॉलम मानो,
इनका काम सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट कराना है, जो मेन अमाउंट कैलकुलेट होगा वो यहां से, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सेम यहां पर बच्चों, 6 कॉलम, डेट पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट। अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा बच्चों, समझ आ जाएगा। अमाउंट, उसके बाद डेज, और लास्ट वन इज इंटरेस्ट। ए की बुक्स हैं, बी रिसीवर होगा तो डेबिट करेंगे, गिवर होगा तो क्रेडिट करेंगे। साथ साथ आपका ड्यू डेट से ये जो डेट लिखी हुई है, जिस दिन सेटल कर रहे हैं, यहां तक का इंटरेस्ट कंप्यूट होगा हर एक ट्रांजैक्शन के साथ अलग अलग। इसलिए इसको अकाउंट करंट बोलते हैं, जिसमें इंटरेस्ट इंटीग्रल पार्ट होता है, हर एक ट्रांजैक्शन के साथ कंप्यूट होता है। लेकिन मुझे कुछ बातें बतानी होंगी, वो मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद बताऊंगा बच्चों। तो एक बार क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर। तो हमने बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन किया विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, कह रहा हूं मैं, तो मेथड है हमारे। तो फर्स्ट, प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद श्याम। तो अगर हम यहां देखें तो नाथ ब्रदर के लिए बनाना है अकाउंट करंट, और ये ट्रांजेक्शन किसके साथ हुई है बच्चों, श्याम के साथ। द अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड अप टू 1st फरवरी, और जो अकाउंट बनाना है बच्चों वो है 1st फरवरी तक का, जिस दिन आप जहां तक की सेटलमेंट कर रहे हो। अब अगर हम देखें तो नाथ ब्रदर की बुक्स हैं, और जो पार्टी है जिसके लिए बना रहे हैं वो है श्याम, तो श्याम का नाम पहले आएगा इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स। और हम नीचे लिखेंगे इंटरेस्ट टू 1st फरवरी, कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। तो आपको ये समझना है कि हम कोई लीप ईयर की बात नहीं कर रहे बच्चों, होगा ही नहीं। ये लास्ट ट्रांजेक्शन आपको जनवरी 9 की दे रखी है, और 1st फरवरी तक का सेटलमेंट करना है। तो अभी हम करते हैं, यहाँ पहले ये बताऊंगा देखो कैसे बार बार ट्रांजेक्शन होती है। गुड सोल्ड टू श्याम 16 सितंबर को 200 रुपए, फिर ड्यू डेट दे रखी होगी। अगर ये ड्यू डेट ना दे रखी हो तो जो डेट ट्रांजेक्शन के सामने है वही ड्यू डेट मानी जाएगी, कुछ और नहीं कह रखा। तो जैसे अभी देखो 1st अक्टूबर कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, मेरे से कोई पूछे ड्यू, मैं कहूंगा 1st अक्टूबर। इसी तरह नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, अभी तो सेल की थी, अब आपने परचेज कर ली। पेड टू श्याम, अभी तो आपने कैश रिसीव्ड किया था, तो देखो आपकी कैसे उसके साथ ट्रांजेक्शन हो रही है फ्रीक्वेंट बेसिस पर, कभी डेबिट कभी क्रेडिट। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, पेड टू श्याम, गुड्स सोल्ड, ये सब दे रखा है। अब मुझे क्या बताना है, वैसे तो हमने देखो बच्चों नोट में क्वेश्चन में ही दे रखा है, जब आप डेज कंप्यूट कर रहे होंगे ना ड्यू डेट से, तो ड्यू डेट का दिन इग्नोर करना है, लेकिन जहां तक कंप्यूट कर रहे हो 1st फरवरी उसको कंसीडर करना है। एंड डेट अप टू विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इज इंक्लूडेड। लेकिन इसके अपोजिट जब ओपनिंग बैलेंस होगा, अभी इस क्वेश्चन में तो है नहीं, अगर शुरू से कुछ बैलेंस रहता होगा तो उस दिन को इंक्लूड करेंगे। व्हाइल काउंटिंग नंबर ऑफ डेज फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस, अभी इस क्वेश्चन में नहीं है तो उस बात को तो छोड़ ही देते हैं। ओपनिंग डेट एज वेल एज डेट अप टू विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इज काउंटेड, आगे क्वेश्चनों में आएगा बच्चों। तो लेकिन सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल मेथड। मैं ना पहले 3 मेन कॉलम पे काम करूंगा, आपको इस तरह से सिखाऊंगा बच्चों, बिल्कुल आसान रहेगा। ये 3 रफ कॉलम है, इनका काम सिर्फ इंटरेस्ट कंप्यूट करना है, इसलिए हम इनको सबसे लास्ट में फिल करेंगे। हम पहले फिल कौन से करेंगे, डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट, वो हमें पता है कि कब वो रिसीवर है कब गिवर है, तो इसलिए इनको फिल करना कोई मुश्किल काम है नहीं। तो हम एक बार करते हैं बच्चों। सबसे पहले 2015 सितंबर 16 गुड सोल्ड टू श्याम और ड्यू, तो अब आप बुक से ही देखना, साथ साथ करते रहेंगे। श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स, नाथ ब्रदर की बच्चों बुक्स हैं, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, बुक ऑफ नाथ ब्रदर्स। आपने इसके बाद लाइन लिखनी होती है इंटरेस्ट जहां तक की सेटलमेंट की डेट है 1st फरवरी 2016
एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। हम अभी फर्स्ट मेथड कर रहे हैं, 6 कॉलम तो सेकंड मेथड में भी आने हैं, वो लेकिन आसान हो जाता है इसके कंपेयर में। तो हम लोग लिख रहे हैं बच्चों, ये बिल्कुल मिडल में मैंने लाइन लगा दी। अब मुझे पता है 6 कॉलम डेबिट में, 6 क्रेडिट में, तो पहले कॉलम ही बना लेते हैं। यहाँ डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, उसके बाद आपका अमाउंट, डेज और इंटरेस्ट। सेम यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और इंटरेस्ट। तो हमने लिखा सेम बच्चों क्रेडिट में। अब एक बार कर रहा हूं बच्चों, ध्यान देना कैसे होगा। पहली ट्रांजेक्शन आप कहोगे सर सितंबर 16 को गुड्स बेची हैं तो शाम रिसीवर हो गया, तो हम उसके डेबिट में लिखेंगे सितंबर 16 टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपीस की सेल की है आपने? 200। बाकी और कोई कॉलम पे काम नहीं करोगे, ये रफ कॉलम है। ड्यू डेट, डेज, इंटरेस्ट, ड्यू डेट, डेज और इंटरेस्ट, इनका यूज बाद में होगा जब इंटरेस्ट कंप्यूट करना होगा। अब इसके बाद देखो बच्चों, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, अगर आपको उससे कैश मिला है तो श्याम गिवर हो गया, तो आप उसके क्रेडिट में लिखो अक्टूबर 1st बाय कैश अकाउंट। अमाउंट है बच्चों 90। इसके बाद अगेन कहता है आपको अक्टूबर 21 को गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, अगर आपने बच्चों गुड्स खरीदी हैं तो श्याम गिवर है, तो लिख देंगे हम लोग 21 बाय परचेसेस अकाउंट। कितने की परचेज की है आपने? 500 की। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड टू श्याम, जब आप श्याम को पे करेंगे ना तो श्याम रिसीवर है, नवंबर 1st आप लिखो टू कैश अकाउंट। कितना पे किया है? 330। फिर दिसंबर 1st में फिर लिखा हुआ है पेड टू श्याम, तो फिर लिख दो आप यहाँ टू कैश अकाउंट, वो रिसीवर है जब आप उसको पे कर रहे हो। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, जब हम गुड्स खरीदेंगे तो श्याम गिवर है, तो उसके क्रेडिट में लिख देंगे। डेट है हमारी दिसंबर 5 बाय परचेसेस अकाउंट 500। उसके बाद अगर मैं देखूं बच्चों तो दिसंबर 10 में गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम 200, फिर यहां पर वो गिवर है बाय परचेसेस अकाउंट। यहां पर अगर अमाउंट देखें बच्चों तो 200। उसके बाद क्या कह रहा है सुनना, 2016 जनवरी 1st पेड टू श्याम, जब आप श्याम को पे करोगे तो श्याम रिसीवर है, तो यहां लिख देंगे 2016 जनवरी 1st टू कैश अकाउंट, हमने उसको पे किए हैं 600। और उसके बाद फिर कह रहा है जनवरी 9 को गुड सोल्ड। बच्चों मेन सारी ट्रांजेक्शन हो गई, टू सेल्स अकाउंट 20। अब जिनके साथ ड्यू डेट लिखी है उनके साथ तो ड्यू डेट लिख दो, बाकियों की जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है वही ड्यू डेट है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट के केस में लिखा है अक्टूबर 1st, तो आप यहां लिख दो अक्टूबर 1। उसके बाद जो अगली ट्रांजेक्शन हुई हमारी कैश रिसीव्ड की, बच्चों उसके साथ कुछ नहीं लिखा, तो वो वही डेट आएगी जो आपकी इसके सामने है अक्टूबर 1st। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की अगर मैं बात करूं अक्टूबर 21 जो गुड्स परचेज की है उसके साथ डेट लिखी है क्या? 1st दिसंबर, लिख दो। पहले उन्हीं का लिख देते हैं जिनके साथ डेट लिखी है बच्चों। फिर आपने गुड्स दो बार परचेज किए, ड्यू है 1st जनवरी, तो आप लिख दो। और उसके बाद अगर मैं देखूं तो जो गुड्स सोल्ड किया है उसके साथ ड्यू डेट है 1st फरवरी, तो लिख दो फरवरी 1st। अब बाकियों के साथ आप कहोगे डेट तो लिखी नहीं हुई ड्यू, तो जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है वही लिखनी है बच्चों, नवंबर 1st, दिसंबर 1st, जनवरी 1st,
सेम यहां पर हो गई हमारी। अब आपने करना क्या है, डेज कंप्यूट करने हैं। जैसे यहां 1 अक्टूबर से इस दिन को छोड़ना है 1 फरवरी तक, तो हमने कंप्यूट किए बच्चों, अक्टूबर के ना हमारे 31 डेज होते हैं, तो 1 से आगे 30 दिन, नवंबर के हम कहेंगे 30, दिसंबर 31, जनवरी 31 और फरवरी का 1, तो बच्चों मैं टोटल कर रहा हूं तो ये 123 डेज बन रहे हैं। सेम यहाँ 1 अक्टूबर से 123 डेज। इसके बाद आगे बढ़े बच्चों हम नवंबर 1, नवंबर में ना टोटल 30 दिन होते हैं, अगर हम यहाँ काउंट करें तो हम कहेंगे नवंबर 1 से 29 दिन तो ये हो गए, उसके बाद 31 दिन दिसंबर के, 31 जनवरी के और एक दिन फरवरी का, तो 92 डेज। एक बार 1 दिसंबर से कंप्यूट कर लेते हैं बच्चों, दिसंबर के 31 दिन होते हैं, तो 30 दिन दिसंबर के हो गए, 31 जनवरी के, 1 फरवरी का, 62 डेज। और जनवरी 1 से अगर मैं कंप्यूट करूं तो 31 जनवरी तक 30 और 1 31 दिन, और यहां तो फरवरी है तो 0 डेज बन गए। अब आ जाते हैं बच्चों यहां पर, दिसंबर 1 हमने अभी कंप्यूट किए थे 62, जनवरी 1 31, जनवरी 1 31। अब आपको पता क्या करना है, कैलकुलेटर से 6% से इंटरेस्ट कंप्यूट करना है, एक बार 200 रुपए के ऊपर 123 दिन का, एक बार 330 के ऊपर 92 डेज का। कैसे कंप्यूट होगा, आप कहोगे 200 इंटू 6/100 इंटू 123 अपॉन में 365, तो हर एक ट्रांजेक्शन के साथ उसका इंटरेस्ट कंप्यूट होगा, तो मैं कर रहा हूं 4.04। आप दूसरा करो, 330 इंटू 6/100 इंटू 92 अपॉन में 365, तो बच्चों ये हमारा आ रहा है 5। इसे नेक्स्ट अगर मैं करूं 330 इंटू 6/100 इंटू 62 अपॉन में 365, तो ये आ रहा है 3.36। और अगर 600 के ऊपर 31 डेज का कंप्यूट करूं तो ये आ रहा है हमारा 3.06। यहां नील क्योंकि कुछ डेज ही नहीं है। यहां पर बच्चों 90 के ऊपर 123 डेज का कंप्यूट कर रहा हूं, ये आ रहा है हमारा 1.82। मैं फिर बता रहा हूं 90 इंटू 6/100 इंटू 123 अपॉन में 365। अब 500 पे 62 डेज का, तो हमने किया 500 इंटू 6/100 इंटू 62 अपॉन में 365, बच्चों 5.10। उसे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 500 पे 31 डेज का, इसका जस्ट आधा बच्चों, और 200 पे 31 डेज का 1.02। ये हो गया बच्चों। अब आप सिर्फ ये देखो कि आपने उसे इंटरेस्ट लेना कितना है और देना कितना है, तो डेबिट वाला आपने लेना है, वहां वो रिसीवर है, तो आप एक बार टोटल करो, तो हमने इसका टोटल किया बच्चों, ये हमारा आ रहा है 15.46 जो डेबिट का टोटल है, और क्रेडिट का टोटल मैं कर रहा हूं ये आ रहा है 10.49। तो बच्चों 15.46 में से लेस कर दो तो ये आ रहा है 4.97। ये आपका बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट आ गया। यहाँ आप डेट डालो उस दिन की जिस दिन सेटल हो रहा है, फरवरी 1 लिखो, बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, ये रफ कॉलम की बात हो रही है। हमारा इंटरेस्ट डेबिट वाला ज्यादा बन रहा है जो हमें चार्ज करना था उससे, 4.97। ये दोनों साइड बराबर करनी होती है। ये इंटरेस्ट जब आप उससे चार्ज करोगे तो डेबिट में लिखोगे कि हमारा इंटरेस्ट फरवरी 1 तक का बन गया टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो मेन कॉलम में लिख देंगे 4.97। बस बच्चों अब आपका काम पता क्या है, टोटल करके बैलेंस निकालना, बस बैलेंस को ब्रॉड डाउन करना भी हमारा काम नहीं है, तो हम लोग यहाँ टोटल कर देते हैं। जो आपका इंटरेस्ट वाला कॉलम है ना, उसका टोटल तो दोनों साइड का बराबर आना है, बैलेंस तो आपका मेन कॉलम का ही आना है, तो हमने यहां अमाउंट का टोटल किया। तो डेबिट का टोटल 1484.97, इसमें से इसको घटा दो तो बाय बैलेंस सीडी, इसको हम लेस कर रहे हैं तो ये आ रहा है 194.97। ये बैलेंस रहता है, इसको बोलते हैं अकाउंट करंट। दोबारा बता रहा हूं बच्चों, आराम से समझना कैसे होता है। हमारे 6 कॉलम होते हैं बोथ साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, इंटरेस्ट। इसमें आपके 3 मेन कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, दोनों साइड। आप ये समझो ड्यू डेट, डेज और इंटरेस्ट सिर्फ इंटरेस्ट कंप्यूट करने के लिए,
आपका इंटरेस्ट हर एक जितने भी आउटस्टैंडिंग डेज है उसका कंप्यूट होता है, इसलिए हमें बहुत मुश्किल लगता है ये क्वेश्चन। 10 मार्क्स की वेटेज रखता है बच्चों क्वेश्चन, जितना ये है इतना ही होता है, लेकिन इसमें बड़ा वर्क हो जाता है क्योंकि बार बार इंटरेस्ट कंप्यूट करो। जो आपको दूसरा मेथड कराना है ना, उसमें बस इस इंटरेस्ट की जगह प्रोडक्ट वर्ड आ जाएगा। तो जब बच्चे के एक जैसे क्वेश्चन होने शुरू हो जाते हैं ना, फिर उसको लगता है बिल्कुल आसान, लेकिन तब तक के लिए मुश्किल, क्योंकि अभी कॉलम भी याद होने हैं, बात भी समझनी है बच्चों उस अकॉर्डिंग। तो हमारा जो इंटरेस्ट अगर क्रेडिट का बाय चांस टोटल होता तो हम डेबिट में लिखते टू बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, और उसको क्रेडिट में मेन कॉलम में लिखते बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब हमने इंटरेस्ट नेट लिया है 4.97, तो इसलिए उसको डेबिट किया है क्योंकि उसको हम डेबिट करेंगे उसके लिए और इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे। तो हमने और कोई तो अकाउंट बनाना ही नहीं, अकाउंट करंट के साथ सिर्फ यही एक सिंगल लेजर अकाउंट करंट ही बनेगा, साथ में कोई और लेजर नहीं बनेंगे। बच्चों सेकंड जो मेथड है हमारा उसको बोलते हैं बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट, बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम उसको डिटेल में कहें तो ऐसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन मेथड। जितनी भी इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन होंगी ना, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस मेथड, इसके अंदर दो हैं बच्चों मेथड। पहला फॉरवर्ड मेथड, बच्चों जो हमने सारे क्वेश्चन करने हैं ना वो इससे करने, लेकिन एक बैकवर्ड मेथड भी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि उन्होंने ना क्वेश्चन उसका स्पेशली नहीं बना रखा। किसी भी एक क्वेश्चन के साथ आपको उसको कर दूंगा ताकि आपका क्रॉस चेक हो जाए, लेकिन हम सबसे पहले तो अभी फॉरवर्ड मेथड करेंगे और उसी के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि रीजन क्या है, वो पूछा नहीं जाना, आपका पूछा जाएगा फॉरवर्ड मेथड। वो इजी भी है और एक्यूरेट भी है। तो हमारा यहां पर है इपोक मेथड बोलते हैं इसको, इसका मतलब है बैकवर्ड मेथड। तो अभी हम पहले क्या करने वाले हैं बच्चों, फॉरवर्ड मेथड, और फॉरवर्ड मेथड जो हम अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट को ही हमने रिपीट कर रखा है क्वेश्चन सेकंड में, और कह रखा है कि बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट मेथड से करो, तो मतलब फॉरवर्ड मेथड से। मैंने बोला है हमारे सारे क्वेश्चन स्टडी में किससे हुए हुए हैं बच्चों, फॉरवर्ड मेथड से। मुझे बैकवर्ड मेथड भी सिखाना है आपको, तो ये जो मैंने आपको टेबल सिखाई थी ना बच्चों, एज इट इज टेबल बनेगी, लेकिन जहां ये इंटरेस्ट का कॉलम है यहां पर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट, और जो नेट ऑफ प्रोडक्ट का बैलेंस होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कैसे, वो अभी करके दिखाता हूं। तो हम इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन का क्या करेंगे बच्चों, प्रोडक्ट करेंगे। एक बार आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, आपको सारी बात बच्चों समझ आ जाएगी किस तरह से है। क्वेश्चन सेकंड, सोल्व क्वेश्चन वन बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट मेथड। बच्चों मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा लिखूंगा ताकि आपको और अच्छे से आए, जितना बेटर हम कर सकते हैं। तो ये जो है ना क्वेश्चन वन, इसी को हम लोग कर रहे हैं बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट मेथड, जिसको आप कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन मेथड, और फॉरवर्ड मेथड है जो हमें यूज करना है। तो हमने यहाँ लिखा श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स। बच्चों हमने पढ़ रखा है क्वेश्चन, उसी की तरह अप्लाई करना है हमें इसको। यहां हम लिख देंगे इंटरेस्ट टू 1st फरवरी 2016 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब बच्चों 6 कॉलम वैसे ही हैं जैसे ऊपर हमने बनाए हैं फर्स्ट मेथड में, बस इंटरेस्ट की जगह कौन सा कॉलम आ जाएगा, प्रोडक्ट का। बार बार इंटरेस्ट कंप्यूट नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार कंप्यूट होगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, बिल्कुल मिडल में लाइन, 6 कॉलम वैसे ही, बस बच्चों एक कॉलम जो है उसमें इंटरेस्ट वाला उसको हमने रिप्लेस कर दिया है ड्यू डेट सेम यहां पर बच्चों। तो कॉलम लिखे बच्चों हमने इसके लिए डेट, पर्टिकुलर्स। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो ड्यू डेट, अमाउंट,
डेज और प्रोडक्ट, जहां इंटरेस्ट होता था उसकी जगह क्या आ गया, प्रोडक्ट। इसी तरह दूसरे में हमने लिखा बच्चों डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट। बच्चों तीन कॉलम रफ कॉलम है, कौन कौन से, ड्यू डेट, डेज और प्रोडक्ट, जैसे वहां इंटरेस्ट का होता था। और तीन है मेन कॉलम, जो मेन कॉलम है ना उसका काम है आपका बैलेंस फाइंड आउट करना कि आपने कितने रुपीस उससे पर्सन से लेने हैं। आप किसकी बुक्स मेंटेन कर रहे हो, नाथ ब्रदर की, और उसमें किससे उसकी ट्रांजेक्शन हो रही है फ्रीक्वेंट, शाम से, तो शाम का अकाउंट बना रहे हो करंट इन द बुक्स ऑफ नाथ ब्रदर। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट देखें तो सितंबर 16 को गुड्स होल्ड किए हैं शाम को, तो हम लिखेंगे शाम रिसीवर हो गया। तो यहां लिखा बच्चों 15 सितंबर 16 टू सेल्स अकाउंट। ड्यू डेट हमेशा बाद में फिल करेंगे, मैंने बोला है हम इन तीन को रफ कॉलम कहते हैं, बाद में फिल होते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। उसके बाद अक्टूबर 1st कैश रिसीव्ड फ्रॉम शाम, तो यहाँ पर शाम बच्चों गिवर है क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन किया है ये, तो जल्दी बात समझ आनी चाहिए ऊपर ही, बाय कैश अकाउंट। बच्चों अमाउंट है 90, इसके जस्ट आगे उसने हमसे कहा है गुड्स परचेज फ्रॉम शाम, हमने गुड्स खरीदी हैं, अगेन शाम गिवर है, अक्टूबर 21 ही, बाय परचेसेस अकाउंट 500। उसके बाद वो कहता है पेड टू शाम, दो बार कह रखा है बच्चों, एक बार नवंबर 1st, एक बार दिसंबर 1st, दोनों लिख देते हैं। नवंबर 1st टू कैश अकाउंट, दिसंबर 1st टू कैश अकाउंट। बच्चों अमाउंट है 330 ईस्ट टाइम्स। इसके बाद हमें उसने कहा है गुड्स परचेज फ्रॉम शाम, शाम गिवर हो गया दिसंबर 5, दिसंबर 10, 500 और 200, तो लिख देते हैं दिसंबर 5 बाय परचेसेस अकाउंट, दिसंबर 10 बाय परचेसेस अकाउंट। अमाउंट है बच्चों 500 और 200। उसके आगे हमें कहता है पे टू शाम, बच्चों शाम को जब हमने पे किए हैं तो शाम रिसीवर हो गया, तो जनवरी 1st 2016 हमने लिख दिया टू कैश अकाउंट, हमने उसको कितना पे किया है 600। और उसके बाद लास्ट वन कहता है जनवरी 9 गुड्स सोल्ड 20 टू सेल्स अकाउंट, शाम रिसीवर है 20। बस बच्चों अब आपका काम है ड्यू डेट फाइंड आउट करना, जिनके साथ ड्यू डेट दे रखी है ठीक, नहीं तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन को ही ड्यू डेट माना जाएगा। तो 1st अक्टूबर हमने यहां लिख दिया, उसे नेक्स्ट वाले की वही डेट आ जाएगी अक्टूबर 1st, फिर उसके बाद अक्टूबर 21 वाले की बता रखी है 1st दिसंबर, तो हम लिख देंगे बच्चों दिसंबर 1st, इनकी वही की वही नवंबर 1st, दिसंबर 1st। उसके बाद परचेज की जो डेट है बच्चों ड्यू डेट दे रखी है जनवरी 1st, जनवरी 1st, और इनकी वही की वही डेट आ जाएगी जनवरी 1st। और यहां पर अगर हम देखें बच्चों सेल के साथ डेट तो फरवरी 1st। बस बच्चों अब आपको क्या करना है, डेज काउंट करने हैं, कल हमने किए थे बच्चों एचडी ऊपर वाले क्वेश्चन से, बच्चों हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में काउंट किए थे, तो वही एचडी लिखने हैं हमें 123 92 62। बस मैंने बोला है कहां चेंज होगा 123 92 62, यहां पर 31 और 0। अभी प्रोडक्ट कर लेंगे, सेम ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं, ये वाले सेम ऊपर देखते हैं बच्चों 123 62 31 31, वही का वही क्वेश्चन जो हम प्रोडक्ट मेथड से कर रहे हैं 123 62 31 31।
अब हर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन का आप प्रोडक्ट कर रहे हो, इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। फॉरवर्ड मेथड है, ड्यू डेट से जिस दिन एक्चुअल में सेटलमेंट हो रही है वहां तक के डेट के डेज गिनने होते हैं। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया बच्चों, पहला आ रहा है 24,600, दूसरे को मैं कर रहा हूं 30,360, थर्ड वन कर रहा हूं बच्चों 20,460, और ये आ रहा है 18,600। यहां हमने किया बच्चों 123 × 90, 11,070, 62 × 500, 31,000, 31 × 500, 15,500, और ये बच्चों 6,200। बस बच्चों अब आप ये देखो कि कौन सी साइड का प्रोडक्ट ज्यादा है। पहले मैंने डेबिट का टोटल किया, तो जो डेबिट का टोटल है ना वो बच्चों आ रहा है हमारा 94,020, और जो क्रेडिट है इसका हमारा टोटल आ रहा है 63,770। तो बच्चों डेबिट का टोटल प्रोडक्ट का ज्यादा है, आपको बैलेंस करने की नीड है नहीं कि टू बैलेंस बीडी दोबारा आगे चले। हम ना पहले इसी प्रोडक्ट वाले कॉलम का टोटल करते हैं, टोटल ज्यादा क्या है 94,020, तो वो आप 94,020 लिख दो, यहाँ आपका बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपका क्रेडिट का टोटल ज्यादा होता तो डेबिट भी लिखते। जिस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, बच्चों मैं डिफरेंस घटा रहा हूं तो ये आ रहा है 30,250, तो हमने लिख दिया। अब इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट निकालना है वन डे का, क्योंकि आप समझो डे से ऑलरेडी मल्टीप्लाई हुआ हुआ है 6% से, तो हमने किया 30,250 6% डिवाइड में 365 1/365 4.97 बच्चों। तो यहाँ लिख दो फरवरी फर्स्ट मेन कॉलम में टू इंटरेस्ट अकाउंट, आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है कितना 4.97। बस अब बैलेंस कर लो मेन कॉलम का ही बाय बैलेंस शीट। बच्चों हमने अभी ऊपर किया था, ये हमारा था 1484.97, इसमें से आप ये घटा दो तो ये हमारा बैलेंस आ रहा है। जस्ट ऊपर वाली सारी ट्रांजेक्शन है एज इट इज, तो ये आप लेस करोगे तो 194.97। जस्ट चेंज कहाँ हुआ, जहां इंटरेस्ट था उसकी जगह प्रोडक्ट आ गया। कॉलम याद रखने हैं, बार बार करेंगे क्यों नहीं याद हो जाएंगे हमें कॉलम। तो एक बार देखो आप डेट पर्टिकुलर ड्यू डेट अमाउंट डेज प्रोडक्ट, इससे आप ये समझो कि कितनी बार ट्रांजेक्शन हुई, हर एक का इंटरेस्ट भी कंप्यूट हो गया, आपको बार बार ट्रांजेक्शन का नहीं करना पड़ा, लेकिन नेट से समझो हो गया और आपके उससे कितने पैसे रहते हैं वो भी कंप्यूट हो गए, तो ये आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। जैसे देखो बच्चों मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग होगा, समझेंगे कि किस तरह से दे रखा है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर मेकअप एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय मिस्टर जी टू मिस्टर एच। बच्चों यहां पर जो जी है ना उसकी बुक्स है और एच का बना रहे हैं, तो लिखेंगे एच इन अकाउंट करंट विद जी, किस डेट को बना रहे हैं 31 दिसंबर को, तो इंटरेस्ट टू 31 दिसंबर, और रेट यहां पर बच्चों 18% कर लेना, बाय चार्ज लिखा है 18% पर एन, बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर एच, एच ने कितने रुपीस देने हैं पहले से 600। अब इसे आगे बढ़ते हैं, गुड सोल्ड टू एच क्रेडिट पीरियड 1 month, तो बच्चों जैसे 30 जुलाई है एक महीना दोगे आप तो वो हो जाएगा 30th अगस्त, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर एच क्रेडिट पीरियड 1 month 1 अगस्त से 1 सितंबर, कैश रिसीव्ड अगर नहीं दे रखी तो यही ड्यू डेट हो जाएगी, पर मिस्टर एच एक्सेप्टेड मिस्टर जीस ड्राफ्ट एट 3 months डेट, अगर 1 सितंबर है 3 महीने का है, और क्योंकि आप समझो नॉर्मल वे में कि उसका बिल्स पेबल है तो 3 दिन ग्रेस के ऐड होंगे, 1 सितंबर है ना, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 3 दिन ग्रेस के, तो ये बच्चों 4th of December हो जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकाउंट करंट बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट मेथड, तो मैंने बोला था हम फॉरवर्ड मेथड के ही सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने,
फॉरवर्ड मेथड से ही करेंगे। तो एक बार मैं करके दिखाता हूं, आप आराम से बच्चों क्वेश्चन को समझना। हमने यहाँ किया, पहला काम है आपका टेबल बनाना, तो मैं पहले बच्चों वो बना रहा हूं। क्वेश्चन थर्ड, यहां मैं लिखूंगा बच्चों एच इन अकाउंट करंट विद जी इंटरेस्ट टू 31st December एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। हमने यहां किया बच्चों, यहां सबसे पहले मिडल में लाइन कॉलम आपने बार बार बोलकर करनी है ताकि याद हो जाए डेट पर्टिकुलर्स ड्यू डेट अमाउंट डेज प्रोडक्ट डेट पर्टिकुलर ड्यू डेट अमाउंट डेज और प्रोडक्ट। लिखती बार फिर बोल लेते हैं, डेट पर्टिकुलर्स ड्यू डेट अमाउंट डेज प्रोडक्ट। सेम यहां पर बच्चों, डेट पर्टिकुलर्स ड्यू डेट अमाउंट डेज और प्रोडक्ट। तो हमने यहां कैसे करना है वो समझना। सबसे पहले एच से पैसे लेने हैं, एच की ड्यू है हमारी तरफ 600, तो हमने लिख दिया 2016 जुलाई 1st टू बैलेंस बिल एच से आपने लेने हैं कितने 600। अभी सिर्फ मेन कॉलम का यूज करना, गुड्स सोल्ड टू एच, तो हमने लिख दिया बच्चों जुलाई 30 टू सेल्स अकाउंट बच्चों अमाउंट है 300। उसके बाद क्या रखा है, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर एच 1st अगस्त को, तो लिख देते हैं अगस्त 1st बाय परचेसेस अकाउंट, कितने की परचेज की है आपने 200। उसके बाद अगर हम देखें बच्चों तो 1st of September कैश रिसीव्ड हुआ है, एच गिवर है, तो लिख देंगे सितंबर 1st बाय कैश अकाउंट अमाउंट है 100। उसके बाद बच्चों मिस्टर एच एक्सेप्टेड मिस्टर जीस ड्राफ्ट, तो हमने बिल ड्रॉ कर रखा है, तो एक तरह से हो गया वो हमारा बीआर बाय बीआर अकाउंट, वो गिवर हो गया, कितने अमाउंट का है 400। अब आपका काम पता है क्या है बच्चों, पहले ड्यू डेट कंप्यूट करना, जुलाई 1st वाले की कुछ नहीं तो जुलाई 1st, इसमें ओपनिंग जहां बैलेंस होगा ना वो वाला दिन भी इंक्लूड होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो जुलाई 30, तो एक महीना दिया है आप कहोगे अगस्त 30, यहां पर अगर मैं देखूं तो अगस्त 1st ड्यू डेट परचेज की है, एक महीने का टाइम है बच्चों सितंबर 1st, यहां तो होगी ही सितंबर 1st, और यहां बच्चों 3 महीने का टाइम है, आप कहोगे अक्टूबर 1st नवंबर 1st दिसंबर 1st, 3 दिन ग्रेस के दिसंबर हो। बस बच्चों अब आपका काम है डेज कंप्यूट करना अप टू 31st December। तो मैं यहाँ कंप्यूट करता हूँ, आप ध्यान देना कैसे कैसे आएंगे हमारे। सबसे पहले अगर हम देखें बच्चों तो जुलाई के हमारे होते कितने हैं, हम कहेंगे 31, तो 30 दिन हो गए, अगस्त के 31, आप टोटल करते जाएंगे साथ साथ, सितंबर 30 अक्टूबर 31 नवंबर 30 और दिसंबर 31, क्योंकि जुलाई 1st ओपनिंग बैलेंस है तो इसको भी इंक्लूड करेंगे। आप इवन जुलाई के 31 ही लिख लो, सीधा बोलेंगे ऐसे, तो ये बच्चों हमारे डेज बन रहे हैं 184, सितंबर के 30 अक्टूबर के 31 नवंबर 30 और दिसंबर 31, तो ये बच्चों हमारे डेज आ रहे हैं 123। आप जस्ट कैलसी पे ऐड करने, यहाँ अगर देखो तो सितंबर 1st है, तो यहाँ मैं इवन लिख भी देता हूँ सितंबर 29 अक्टूबर 31 नवंबर 30 और दिसंबर 31, तो हमने बच्चों इसका टोटल कर लिया, ये हमारा आ गया 121, यहाँ पर भी 121 और दिसंबर 4 से 27 डेज। बस बच्चों अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं कैलकुलेटर से, पहले वाला करके आ रहा है बच्चों 110,400,
दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 36,900, सेम इसी तरह से 200 को 121 से कर रहा हूं बच्चों 24,200, यहां तो 12,100 और यहां पर कर रहा हूं 10,800। क्लियर दिख रहा है डेबिट का टोटल ज्यादा है, तो आपका काम क्या है, जस्ट आप टोटल कर, पहले आपका काम है प्रोडक्ट वाली लाइन का टोटल करना। तो हमने किया, डेबिट का टोटल ज्यादा है वही दोनों साइड लिख दो 147,300। इसमें से ना आप घटा दो बच्चों 147,300, यहाँ आ जाएगा December 31st बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। एक तरह से आप रफ कॉलम का बैलेंस निकाल रहे हो, क्यों, क्योंकि उसी की हेल्प से वो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाओगे बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर मैं यहाँ टोटल घटा रहा हूँ इसका, तो ये हमारा आ रहा है बच्चों 1,02,000। इसके ऊपर एक दिन का 18% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा December 31 टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये बच्चों इंटरेस्ट आ रहा है हमारा कंप्यूट करके 49। अब अगर मैं देखूं बच्चों तो डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा है 949, और इस 949 में से ये घटा दो बैलेंस आ जाएगा, ये एक्चुअल में हमने उससे पैसे लेने हैं। तो 949 में से अगर मैं 700 घटा दूं तो 249। तो ये बच्चों फॉरवर्ड मेथड का था, ये हो गया। एक बार आराम से देख लो, जो नहीं समझ आया बच्चे पूछ सकते हो कि सर ये वाली बात नहीं समझ आई, दोबारा बताओ, मैं दोबारा क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं आप, थर्ड हो गया हमारा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय मिस्टर सिंह टू मिस्टर पोल एज ऑन 31st अगस्त। इंटरेस्ट मस्ट बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 1 year इक्वल टू 365 days। मिस्टर सिंह की बुक्स हैं, मिस्टर पोल का हम अकाउंट बना रहे हैं 31st अगस्त तक का, इंटरेस्ट का रेट 10% पर एनम है। बिना कहे हमेशा प्रोडक्ट मेथड यूज होगा, स्टडी का क्वेश्चन है बच्चों, उन्हीं के हिसाब से चलेंगे हम। तो सबसे पहले है गुड सेंड टू मिस्टर पोल। अगर आपने मिस्टर पोल को गुड सेंड की है, मतलब एक तरह से सेल की है, तो मिस्टर पोल रिसीवर है, उसके डेबिट में लिखेंगे। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। हमने यहां लिखा पोल इन अकाउंट करंट विद सिंह, पोल इन अकाउंट करंट विद सिंह। आपने आगे मिस्टर लगाने हो तो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों। इंटरेस्ट टू 31st अगस्त, जैसे उसने कहा था, हमारा जो ईयर है बच्चों वो है 2014, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो हम कंप्यूट कर देंगे, बच्चों 6 कॉलम हमने याद रखने हैं पूरे अच्छे से, डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट। बार 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 बोलना है इस बात को ताकि याद हो जाए। तो डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट, और लिखती बार फिर बोल देते हैं हम, डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट, सेम यहां पर बच्चों, डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट। हमने किया बच्चों यहां पर शुरू, सबसे पहले गुड्स भेजी हैं मिस्टर पोल को, तो हम यहां 2014 जून 11 यहां लिख दिया हमने टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है बच्चों 1020। पहले आप सिर्फ मेन कॉलम में लिखेंगे ड्यू डेट, डेज, प्रोडक्ट, इनकी टर्न बाद में है जब हमें इंटरेस्ट कंप्यूट करना होगा। फिर जून 15 को कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर पोल, तो हम कहेंगे अच्छा कैश मिला है तो मिस्टर पोल गिवर हो गया, कैश बच्चों हमें रिसीव्ड हुआ है, मिस्टर पोल गिवर,
उसके क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, कितना कैश मिला है बच्चों हमें 500। नेक्स्ट, गुड्स सेंड टू मिस्टर पॉल, फिर आपने गुड्स भेजी हैं जून 20 को, टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट बच्चों 650। उसके बाद फिर गुड्स भेजी हैं जुलाई 7 को, टू सेल्स अकाउंट बच्चों अमाउंट 700। उसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर पॉल, आपको कैश रिसीव्ड हुआ है अगस्त 8 को, तो वो गिवर है, आप यहां लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। अगर हम देखें बच्चों तो 1100। बस बच्चों अब आपका काम पता क्या है, ये सब होने के बाद बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। तो आप कहोगे पहले प्रोडक्ट करो तो सही, तो ड्यू डेट लिखते हैं, जो डेट है ना वही ड्यू डेट। जैसे यहाँ जून 11, यहाँ पर जून 20, यहाँ पर जुलाई 7, एक क्योंकि आगे कोई डेज कुछ आगे लिखा ही नहीं हुआ तो यही की यही आ जाएंगी, जून 15, अगस्त 8। अब बच्चों हमारा काम पता क्या है, सिंपली समझना, डेज काउंट करो जून 11 से, मैं कहूंगा जून के 30 होते हैं 19, जुलाई 31, अगस्त 31, बच्चों मैंने टोटल किया 81। अब आप देखना 9 डेज लेस कर देता हूँ 72, क्योंकि ये 9 डेज का ही तो गैप है, और जुलाई 7 से, तो आप कहोगे जुलाई के 24, टोटल 55। यहाँ पर बच्चों जून 15, 4 दिन कम कर दो 77, और अगस्त 8 से 23, पर सिंपली हो गया बच्चों। अब मल्टीप्लाई करो 82620 सेकेंड वन 46,800, और इसी तरह से बच्चों 700 × 55 38,500, क्रेडिट में किया बच्चों 77 × 500 38,500, और 23 × 1100 25,300। बस बच्चों अब पता है क्या करना है, डेबिट का टोटल ज्यादा है, आप पहले प्रोडक्ट कॉलम का ही करते, तो हमारा काम है सिर्फ प्रोडक्ट कॉलम को कंसंट्रेट करो और किसी को नहीं। तो प्रोडक्ट कॉलम का डेबिट का टोटल ज्यादा है, और ये मैं कर रहा हूं बच्चों 1,67,920। इस 1,67,920 में से क्रेडिट का कॉलम का टोटल घटा दो अगस्त 31, तो ये बच्चों ये सिर्फ है हमारा 63,800, इसमें से लेस कर दिया, बच गया हमारा 1,04,120 बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये आपके प्रोडक्ट कॉलम का बैलेंस आ गया डेबिट का 1,04,120। अब बच्चों आपने इसके ऊपर वन डे का इंटरेस्ट निकालना है, तो हमने लिखा अगस्त 31 मेन कॉलम में टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये उस इंटरेस्ट बैलेंस पे कैलकुलेट हो रहा है 1,04,120। रेट बच्चों कितना हमने डिसाइड किया हुआ है 10%, 1/365। तो बच्चों इस इंटरेस्ट की बात करूं तो आ रहा है 28.53 मेन कॉलम में, लिख दो। अब बस बच्चों आप टोटल करो मेन कॉलम का, हमने किया डेबिट साइड का टोटल ही ज्यादा है, ये आ रहा है हमारा 2398.53। इसमें से बच्चों आप ये बैलेंस 1600 लेस कर दो, तो आपका बैलेंस जो आपने लेना है उससे वो आ गया 798.53। हो गया बच्चों, ऐसे करना है, आराम से देखो बच्चों क्वेश्चन, बात समझ आनी चाहिए कि किस तरह से हो रहा है। बच्चों मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल वे में होने हैं बच्चों हमारे। एक बार देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, हमें कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेकअप एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय एस दास गुप्ता टू ए हल्दर। बच्चों अगर मैं यहाँ क्लियरली बताऊं तो बुक्स हैं एस दास गुप्ता की, और ए हल्डर का अकाउंट करंट बनेगा उसकी बुक्स में, किस दिन सेटल होना है 31 दिसंबर को, रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट 5% पर एनम, और ये मानो कि 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। बस बच्चों एक बार करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मैंने यहाँ लिखा ए हल्दर इन अकाउंट करंट
विद एस दास गुप्ता, ठीक है, इंटरेस्ट टू 31st December 2016 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो बच्चों वही 12 कॉलम है हमारे, 6 डेबिट में 6 क्रेडिट में। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बच्चों जो हमने लेने हैं मिस्टर ए हल्दर से June 30 को, बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर ए हल्दर टू बैलेंस बीडी, बच्चों अमाउंट आएगा 520। इसके बाद गुड्स सोल्ड टू ए हल्दर, वो रिसीवर हो गया July 17, आप लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 40। इससे नेक्स्ट अगर बात करूं तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए हल्दर, यहां पर अगर हम बात करें तो वो गिवर है, तो हम लिख देंगे बाय कैश अकाउंट 500। इससे नेक्स्ट है बच्चों गुड्स सोल्ड टू ए हल्दर August 19, टू सेल्स अकाउंट 720। फिर गुड्स सोल्ड टू ए हल्दर, टू सेल्स अकाउंट 50। इसके बाद बच्चों कैश रिसीव्ड हुआ है तो वो गिवर है, बाय कैश अकाउंट हमेशा पहले मेन कॉलम में लिखना होता है, डेज तो बाद में कंप्यूट हो जाएंगे। ये बच्चों अमाउंट है 400। ए हल्दर एक्सेप्टेड दास गुप्ता बिल एट 3 months डेट, तो बच्चों अभी ड्यू डेट निकाल लेंगे September 1st, बाय BR अकाउंट अमाउंट है बच्चों 300। इसे नेक्स्ट गुड्स बोट फ्रॉम, हमने उसे खरीदी है October 22, बाय परचेस इस अकाउंट 20। गुड सोल्ड टू ए हल्दर November 12, टू सेल्स अकाउंट 14। और कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए हल्दर, उसे कैश मिला है तो वो गिवर है, बाय कैश अकाउंट बच्चों 50। अब डेज कैलकुलेट करने से पहले ड्यू डेट लिख लेते हैं, इनकी तो बच्चों यही की यही, आप चाहे फर्स्ट वाली ड्यू डेट मत लिखा करो क्योंकि वो जून 30 से ही काउंट होना है और उस दिन को इंक्लूड करना है, July 17, August 19, August 30, November 12, इसी तरह August 1, September 1, BR में बच्चों 3 महीने का है तो October 1, November 1, December 1, 3 दिन ग्रेस के, December 4। इसे नेक्स्ट बच्चों October 22 और December 14। बस बच्चों एक बार डेज काउंट कर लेते हैं, हमने यहां से किया June 30 को भी इंक्लूड करना है, टोटल आ रहे हैं 185। July 17 से बच्चों 167 अप टू 31st December, उस दिन को छोड़ देना है, August 19 से 134, August 30 से 123 और November 12 से 49 डेज बच्चों। अभी से आगे बढ़े, अगस्त 1 से बच्चों 152, सितंबर 1 से 121, दिसंबर 4 से 27, अक्टूबर 22 से 70 डेज और दिसंबर 14 से 17। अब बच्चों एक बार कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 96,200, 6,680, 96,480, 6,150, 6,86। सिमिलरली यहाँ पर 76,000, इससे मल्टीप्लाई किया 48,400, 8,100, 1,400 और 8,50। अब बच्चों एक बार टोटल कर लेते हैं, प्रोडक्ट का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो हमने लिख दिया दोनों साइड वही टोटल, तो अगर हम देखें बच्चों तो डेबिट का टोटल है 2,06,196, क्रेडिट का टोटल है बच्चों 1,34,750, तो इसको घटा दो, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट
बच्चों ये आ रहा है 71446। अब हमारा काम है मेन कॉलम में इंटरेस्ट लिखना, तो हमने किया यहाँ December 31 टू इंटरेस्ट अकाउंट 71446 इंटू रेट है बच्चों 5% 1/365, तो ये हमने कंप्यूट किया 9.79। बच्चों अब टोटल कर लो आप, डेबिट का टोटल आ रहा है और यही ज्यादा है 1353.79, इसमें से इसको घटा दो तो यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। तो बच्चों ये टोटल है 1270, इसमें से लेस कर दिया तो 83.79 हो गया। बच्चों ऐसे करना है, तो आज बच्चों आपको 5 तक ही करा रहा हूँ और आपने करने भी यहीं तक है, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे।